एक ही जन्म में दे दिया रब्बा मेरे मैं तगड़ खा ओ मेरी इंस्टाग्राम रील्स पे भी कुछ इस तरह का अपने सॉन्ग तो सुना ही होगा। ये वाला सॉन्ग आप देख सकते हैं काफी वायरल जा रहा है, इस तरह का आप देख सकते हैं एस्थेटिक वीडियो बना सकते हैं। और इसी तरह के नहीं, आप इस तरह का देख सकते हैं काफी सारे जो इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल जाता है, इस तरह का काफी सारे आप एस्थेटिक वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह का कैसे टेक्स्ट को लिखा जाता है और कैसे इस तरह का एनिमेशन दिया जाता है, और साथ में आपको कुछ इस तरह का स्काई एडिटिंग में आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके में आपको करके दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको भी बनाना आ जाएगा। तो कैसे बनाना है चलिए जान लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पिक्सेल ऐप ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ओपन कर लिया हूँ। ओपन करना तो आपको यहाँ पर अभी टेक्स्ट लिख लेना है। अगर आपके पास पिक्सेल ऐप नहीं है तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पहला वाला लिरिक्स लिख लेता हूँ, तो आपको भी लिख लेना है जो भी आपका वीडियो का लिरिक्स रहेगा। तो यहाँ पर मेरा पहला वाला लिरिक्स है एक ही, तो यहाँ पर मैं कुछ तरह टाइपिंग कर लेता हूँ। उसको आप ओके पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर मैं हल्का सा छोटा कर लिया। और ए पे जाना है, और यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट में जाना है। उसको आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ये वाला फ़ॉन्ट यूज कर रहा हूँ, तो आपको ये वाला फ़ॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसको आपको यहाँ पर स्टॉक पर जाके यहाँ पर आपको वाइट वाला भी सेलेक्ट कर लेना है, और इसे आपको 2 पे रख लेना है। और यहाँ भी आप दे सकते हैं शेडो में जाके यहाँ पर आपको वाइट वाला, और इसे भी आपको 1 पे आपको रख लेना है। तो कुछ इस तरह यहाँ पर मैं सेट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर अभी ट्रांसपेरेंट कुछ इस तरह आपको कर लेने, और यहाँ पर मैं बीच में रख लेता हूँ। और यहाँ पर आपको शेयर पे जाके यहाँ पर आपको सेव कर लेने है। तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा में आपको यहाँ पर सेव कर लेने है। तो कुछ इस तरह देख सकते हैं सेव हो चुका है। तो कुछ इसी तरह आपको जितना भी लिरिक्स है सारा लिरिक्स को आपको इस तरह टाइपिंग कर लेने और सेव कर लेना है। बार बार आपको फ़ॉन्ट चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अभी कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, और आपको एक VPN से भी कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पहले से कनेक्ट करके रखा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अभी न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, और आपको एक ब्लैक PNG ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ, तो ये वाला ले लेते हैं। और कुछ इस तरह आपको यहाँ पर ब्लैक PNG को इतना भी आपको कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको 11 सेकेंड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह करने के बाद आपको यहाँ पर अभी फोटो ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ओवरले पे जाता हूँ, और जितना भी लिरिक्स है सारा लिरिक्स को यहाँ पर मैं PNG को ऐड कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, और बीट के हिसाब से ऐड कर लेना है। तो पहला वाला लिरिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दे देना है, देख सकते हैं यहाँ पर सॉन्ग है लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ से देना है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ इस तरह आपको यहाँ पर स्पीड कर लेना है, और इसे डिलीट कर लेना है, और दूसरा वाला यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो कुछ इस तरह जितना भी PNG है सारा PNG का आपको ऐड कर लेना है, जहाँ तक आपको कुछ इस तरह लिरिक्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सारा PNG ऐड कर लिया। देख सकते हैं लिरिक्स जो भी लिरिक्स है सारा कंप्लीट हो चुका है। तो इतना दूर मैं ऐड करूँगा, उसके बाद आपको यहाँ पर मैं वीडियो ऐड करूँगा। और ऊपर भी आपको यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन जो लिरिक्स था ब्लैक स्क्रीन जो था ऊपर में, तो उसे भी यहाँ पर मैं कट वाइज कर लिया हूँ। तो पॉइंट के हिसाब से आपको ऊपर वाला जो भी PNG था उसे भी आपको कट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं कट कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अभी एनिमेशन दे देना है। तो मैं फर्स्ट वाला PNG में आ गया और एनिमेटेड पे चला गया। तो यहाँ पर हल्का सा लोडिंग होगा, आपको वेट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रहा है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आपको इन एनिमेशन में चला जाना है, और सबसे पहला वाला आपको देख सकते हैं फेड वाला, तो इसे आपको टिक कर लेना है। और लेयर का कुछ इस तरह यहाँ पर आपको फुल कर लेना है। तो जितना भी PNG सारा PNG में आपको ये वाला एनिमेशन कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह फेड वाला, तो ये वाला काफ़ी अच्छा है, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। जितना भी PNG सारा PNG में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं सारा PNG में यहाँ पर एनिमेशन भी लगा लिया। उसके बाद मैं बैक आ जाना है, और यहाँ पर आपको वीडियो भी ऐड कर लेना है। तो वीडियो पहले मैं एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो पहले ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो यहाँ पर पहले तो मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे को एडिट करना है। तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं कुछ सर, आपको यहाँ पर अपना वीडियो ले लेना है जो भी आप वीडियो शूट किए रहेंगे। तो ये वाला वीडियो और ब्लैक वाला वीडियो यहाँ पर मैं डिलीट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से ऐड करूँगा यहाँ से। तो यहाँ पर मैं आगे वाला भाग डिलीट कर लेता हूँ, और इसका म्यूजिक मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और पीछे भी यहाँ पर मैं जितना दूर देना है मेरे को ऐड कर लेना है। तो मेरे को इतना दूर
यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं देने मेरे को, यहाँ पर मैं स्लोमो भी करूँगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर अभी स्लोमो पे चले जाने और यहाँ पर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अभी एडजस्ट कर लेना है, तो एडजस्ट में चला गया और यहाँ पर मैं और एक बार टिक कर लिया और इसे हल्का से ऊपर कर लेते हैं और इसे नीचे कर लेते हैं और इसे फिर से नीचे कर लेते हैं और इसे हल्का से ऊपर और यहाँ पर मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह यहाँ पर आपको अपनी वीडियो के हिसाब से स्लोमो कर लेना है। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं यहाँ पर कैप जो निकल रहा है, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह स्लोमो कर लिया हूँ। तो स्लोमो हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पर भी कलर ग्रेडिंग भी हल्का सा वीडियो को कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट में चला जाता हूँ, एडजस्ट में जाना होगा आपको यहाँ पर ब्राइटनेस आपका देख लेना, वीडियो के हिसाब से आपको कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे हल्का सा 4 पे रख लेता हूँ और कॉन्ट्रेस्ट आप अपने वीडियो के हिसाब से सेट कर लेना, क्योंकि आपका वीडियो कैसा शूट हुआ है आप देख लेना। हो सकता है आपका वीडियो में ज़्यादा वेटनेस है, तो ये इसको इस हिसाब से आपको सेट कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको वीडियो पे कुछ सर आपको अलग अलग देख सकते हैं कलर ग्रेडिंग आपको देखने को मिल जाएगा, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसे आपको रख लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेड हो रहा और यहाँ पर वाइट हो रहा, तो यहाँ पर मैं वाइट को रख लेता हूँ। उसके आपको यहाँ पर अभी यहाँ पर HSL यहाँ पर आ जाना है कलर ग्रेडिंग में, और यहाँ भी आपको कुछ सारा कलर ग्रेडिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे देख सकते हैं शर्ट का कलर चेंज हो रहा, तो यहाँ पर मैं इसे रेड रख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे बढ़ा लिया और इसे भी यहाँ पर मैं हल्का से इंक्रीज कर लिया, और यहाँ पर रेड हो रहा है, यहाँ पर वाइट हो रहा, तो यहाँ पर मैं इसे डिक्रीज कर लिया। तो कुछ इस तरह आपको वीडियो के हिसाब से देख लेना, जहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रेड हो रहा और यहाँ पर वाइट हो रहा और यहाँ पर रेड हो रहा, तो यहाँ पर मैं इसे ज़्यादा नहीं दूंगा। तो कुछ तरह देख सकते हैं यहाँ पर कलर चेंज हो रहा, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा वाइट हो रहा, और कुछ इस तरह देख सकते हैं यहाँ पर हल्का से यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे रख लिया। तो कुछ इस तरह आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है, तो यहाँ पर मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलर ग्रेडिंग हो चुका है, तो मैं यहाँ पर काफ़ी जल्दी कर लिया, तो इसलिए आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। आप अब आराम से करेंगे तो काफ़ी अच्छे से कलर ग्रेडिंग हो जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ जरा कलर रीडिंग कर लेना, उसके बाद आपको ओवल पे जाके यहाँ पर आपको एक स्काई वाला वीडियो भी ऐड कर लेना है, जो मैं आपको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं पहले ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर लिया और कुछ तरह यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अभी मास्क पर चले जाना है, मास्क पर जाने के बाद आपको कुछ तरह लोडिंग होगा, देख सकते हैं यहाँ पर मैं पहले कम्प्लीट कर लेता हूँ और पहला वाला आपको यहाँ पर टिक कर लेना है, और कुछ तरह यहाँ पर आपको जो डंडी है इसे आपको नीचे लाना है कुछ इस तरह देख सकते हैं, और कुछ इस तरह आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं वीडियो के हिसाब से इसे भी एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसे भी आपको कलर ग्रेडिंग हल्का सा कर लेना है। यहाँ पर मैं फिर से एडजस्ट में चला गया और यहाँ पर आपको इसे मैं डिक्रीज कर लेता हूँ, और इसे भी यहाँ पर आपको आप अपने वीडियो के हिसाब से देख लेना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं कलर ग्रेडिंग में चला गया, और यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ कलर ग्रेडिंग देना नहीं है आपको, यहाँ पर ये देख सकते हैं स्काई को आपको चेंज कर लेना है बस। तो यहाँ पर मैं कुछ तरह देख सकते हैं अपने हिसाब से मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ, तो आपको आराम से कर लेना है, आपको जैसा ठीक लगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से कलर ग्रेडिंग भी हो चुका है। उसके बाद आपको इसे आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो जो भी यहाँ पर वीडियो आपका बनाया हुआ था देख सकते कलर ग्रेडिंग किया था, तो वाला वीडियो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते फिर से मैं लिरिक्स वाला वीडियो पे आ गया, और ये वाला वीडियो मैं यहाँ पर ऐड कर लिया। तो जितना देर आपको वीडियो ऐड करना है कर लेना है, यहाँ पर मैं ज़्यादा हो रहा तो यहाँ पर मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो कुछ जरा कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर भी यहाँ पर आपको एक एनिमेशन दे देना है। तो यहाँ पर मैं इन एनिमेशन में चला गया फिर से, और यहाँ पर लोडिंग हो रहा, फिर से यहाँ पर आपको इन एनिमेशन में जाके यहाँ पर आपको पूरा बैक आ जाना है, और बैक में जाके आपको यहाँ पर आपको ये वाला आपको स्विमिंग वाला दे देना है, और इसे आपको यहाँ पर हाफ रख लेना है, आपको पूरा नहीं करना है। यहाँ पर मैं इसे कुछ देर देख सकते हैं 1.8 में आपको रख लेना है 8 सेकेंड। तो यहाँ पर आपका वीडियो कम्प्लीट हो गया देख सकते हैं, तो इसे आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। और अगर आपको कुछ सर देख सकते हैं इफेक्ट लगाना है यहाँ पर, तो पहले तो आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अभी इन शॉर्ट में आपको चले जाना है। तो यहाँ पर मैं पहले इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इनशॉट में आ गया, उसके बाद आपको वीडियो पे चले जाना है, और यहाँ पर अपना वीडियो ऐड कर लेना जो भी आप कैपकट से अभी बनाए थे। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर लिया देख सकते हैं,
कुछ इस आपको ऐड कर लेने और यहाँ से आपको रील्स वाला साइज कर लेने और यहाँ भी आपको रील्स वाला साइज ऐड कर लेने। करने आपको यहाँ पर फिल्टर में चले जाने, बस फिल्टर में आपको यहाँ पर आपको इफेक्ट में चले जाने और यहाँ पर आपको ये वाला इफेक्ट कंप्लीट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ वाला इफेक्ट में लगा लिया और जो भी लिरिक्स है लिरिक्स पे बस आपको भी यहाँ पर इफेक्ट लगा लेना है और जहाँ से ट्रांजेक्शन आ रहा तो इतना दूर में इसे लगा लेता हूँ। तो लगाने के बाद आपको यहाँ पर टिक कर लेना है और आपका वीडियो रेडी हुआ है। देखो तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो कुछ जिस तरह आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं काफी अमेजिंग लग रहा है आपका वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो कुछ जिस तरह आप भी वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अभी सेव पे चले जाने और यहाँ पर आपको 60 FPS में यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही ट्रेंडिंग रील्स के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ। तो ऐसे ही मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।